अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम डायलॉग 360। और डायलॉग 360 में आप देखते हैं कि हम आपसे ऐसी शख्सियात की मुलाकात कराते हैं जो किसी न किसी शोबे में, किसी न किसी हवाले से मुल्क की सिनेरियो में और मुल्क की जो एक धारा है उसमें अपना कोई ना कोई ऐसा रोल अदा करते हैं या कर चुके होते हैं या करने जा रहे होते हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं और उनको ये मौका हम भी देते हैं कि आप तक अपनी बात पहुंचाएं और आपको भी ये मौका देते हैं कि आप उनकी बात से इत्तफाक करें या उससे मुत्तफिक ना हो। लेकिन ये कि डायलॉग 360 का मतलब ये है कि डायलॉग का अमल जारी रहना चाहिए। आज मैंने अपने स्टूडियोज़ में एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत को बुलाया है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और वैसे पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, लेकिन बहुत मोहब्ब वतन है और मोहब्बत वतन से इनकी इन्हें उस पेशे के साथ साथ एक ऐसे मैदान खारजार में ले आई है जो वैसे तो मिशन इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब यकीन मुहकम हो, जब इरादे पुख्ता हों और जब एक करज हो कुछ करने की, तो वो चीज़ें जो इम्पॉसिबल होती हैं उनमें से आई एम यानी इम का लफ्ज़ हट जाता है और वो पॉसिबल भी हो जाती हैं। तो आज मेरे स्टूडियोज़ में मेरे मेहमान हैं यूनिटी फेथ डिसिप्लिन पार्टी के जनाब शाहिद बशीर साहब। आप चेयरमैन हैं और मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होऊंगा, इसलिए बराए रास्त आपकी मुलाकात कराता हूं जनाब शाहिद बशीर साहब से जो आपके और मेरे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? ठीक हैं। पहले तो आपको हम कराची में वेलकम कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, ये हमारे लिए और ज़्यादा खुशी की बात है। तो मेरे नाज़रीन ये आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इतनी सारी जमातों की मौजूदगी में फिर ये एक नई जमात और फिर उसको आपने जो उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे वो अल्फाज हैं जो बानी पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक मोटो के तौर पर यूज़ किए थे, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, और आपने इन तीनों को मिलाकर एक पार्टी बना दी और उस पार्टी के अजाइम क्या हैं ये हम आपसे चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन से शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने दावत दी मुझे यहाँ आने की और अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला, और दूसरी बात यह कि आपने बहुत सारे सवाल एक सवाल में इकट्ठे कर दिए और उस पर बहुत सारा वक्त चाहिए इसको करने के लिए। लेकिन अहम बात यह कि मैं समझता हूँ कि जो आपने सवाल सारे किए हैं मुझसे उनमें से अक्सर सवाल के जवाब जो हैं हमारी कौम को पता हैं। अब मसला क्या है, कौम को जवाब जब पता हैं तो उसके बावजूद भी एक नई पार्टी की तश्कील की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं समझता हूँ कि पहली बात यह कि शायद वो याद दहानी की थोड़ी कमी रह गई है या वो डायरेक्शनल चेंज थोड़ी सी जो आई उस वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया कि 1947 से लेके आज तक हम जो अपना ट्रैक था, जो रास्ता था, जिस रास्ते पे हमने इस कौम को गामजन करना था, जिसका ख्वाब कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने और अलामा इकबाल ने देखा था और उसके अमली जामा और शक्ल दी थी, उस रास्ते उस ट्रैक पे आज तक हम चल नहीं सके। अब बड़े अजीब सा लगता है कि 1947 से लेके इतना सब गुजर गया और इतने सालों के बाद भी अगर हम उस ट्रैक पे नहीं चले और इस रास्ता नहीं बन सका तो वजह क्या थी, हम फिर क्यों मैदान में आए जी। और हमने और उनमें वाकई में फर्क किया, वजह क्या? अब फर्ज यह कि जब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं पाकिस्तान के, तो पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो इसका विजन था, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर इस पाकिस्तान को बनाया गया था जी, बेसिकली उस आइडियोलॉजी की वो जो डायमेंशन थी वो डे वन से डाली ही नहीं जा सकी। अच्छा, क्यों? कि जिन्होंने इसको बनाना था, तख्लीक किया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी थी कि उन तख्लीककारों को वक्त ही नहीं मिल सका कि वो अपने पूरे के पूरे डायमेंशन आइडियोलॉजी को ट्रैक पे चढ़ा के हमारे हवाले करते। अब देख लीजिए कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान 1947 बनने के बाद बहुत थोड़ा सा वक्त मिला कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना को कि वो उसको अमली जमा बना के हमें दे देते। उसके बाद जितने भी लोग आए वो अपने अपने विजन के लिहाज से उसको शेप्स देते रहे। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि सवाल किया गया कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना से कि जनाब वाला वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा पाकिस्तान का, तो फरमाया कि पाकिस्तान को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, वो तो 14 साल पहले लिखा गया था।
फिर भी कुछ बनाना चाहते हो तो देख लेते हैं इंशाल्लाह उसके मुताबिक बन जाएगा. अब वो डायरेक्शन और डायमेंशन आज तक देखी नहीं. जब उस ट्रैक पे नहीं चढ़ा तो प्रॉब्लम्स कंसिस्टेंटली वो चलते रहे मुस्तकिल तौर पे, और उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए बजाय हम अपने रास्ते को फिर मुतय्यन करते और उस तरफ चलते, ना हम उस रास्ते को मुतय्यन किया और ना ही उस ट्रैक पे हम दोबारा चढ़ सके और ना ही अभी तक चढ़े. अब जब ये हालात हमने देखे तो कुछ मुहबे होते हैं रिटायर्ड कोई फौज के लोग जी, जो समझते हैं मेरे जैसे शायद हम बहुत ज्यादा पेट्रियट से, हालांकि आप मेरे ज्यादा पेट्रियट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ आप जैसे भाई जो के सिविल में जिंदगियां जिन्होंने गुजारी विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, एनालिसिस किए वक्तन फक्तन उसको देखा कि यार क्या वजह हो सकती है. तो ये सारे सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा कि असल मसला क्या है. कोई कहता है जी करप्शन बहुत बड़ा मसला है, कोई कहता है मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, कोई कहता है तालीम की कमी है, कोई कहता है कि जी उसके बाद आपके रिसोर्सेज की कमी है, कोई कहता है वेस्टर्नाइज है अमेरिका और बरतानिया के इन्फ्लुएंस अभी तक खत्म नहीं हो सका. लेकिन जो कंक्लूसिव चीज थी उस पर हम आज तक नहीं आ सके कि इसकी वजह क्या. जब हम सारे बैठे तो हमने बैठ के एनालिसिस किया तो मेन वजह तो गवर्नेंस का. ठीक, जब तक एक गवर्नेंस सही पैटर्न पे नहीं होगी, वो बॉडी नहीं बनेगी, तो उस वक्त तक सही डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते. फिर नेक्स्ट पैरामीटर उसमें देखना यह था कि गवर्नेंस किस तरह बेहतर की जा सकती है. तो गवर्नेंस इस तरह से बेहतर करने का मैं समझ आया कि देखें दो बॉडीज बेसिकली बनती हैं. एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है, जिसने चीजों को लेके इम्प्लीमेंट करना है फिजिकली और ग्राउंड लेके जाना है, तो हम थोड़े उसमें बेहतर है फौजी जो थे. दूसरा जो आइडियोलॉजी है या आइडियाज है उनकी फैब्रिकेशन और जो उसको लाइक फॉर्मुलेशन करनी है उसकी, उसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं इस मुल्क के या जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां एक स्पेसिफिक फील्ड में गुजारी हैं वो बेहतर तरतीब दे सकते हैं. तो हमने ये सोचा कि इन दोनों को इकट्ठा करके एक ऐसी जमात की तश्कील दी जाए जो कायद आजम के जो अफकार थे यूनिटी फेथ डिसिप्लिन ईमान इताअत तंजीम, उन अफकार को मद्देनजर रखते हुए जो सिस्टम इस कंट्री के अंदर डेवलप हुए हैं उनको ग्रास रूट लेवल से दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाए और पाकिस्तान को दोबारा सिरे से रीबिल्ड किया जाए. तो ये थोड़ा सा बेसिक आपके सवाल का जवाब. ये तो आपने बात कह दी जी, लेकिन जो सिस्टम डेवलप किए गए मतलब वो जो एक सिस्टम था जी, जिसको हम अगर कायदे आजम के उस कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं जी, तो पहले गवर्नर जनरल वो थे जी, फिर हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आया, और फिर उसके बाद जो है बुनियादी जमहूरियतों का भी एक निज़ाम आया. अच्छा, फिर उसके बाद अब डेमोक्रेसी का भी एक निज़ाम आया. तो मसला ये कि ये सब चीज़ें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो सारे निज़ाम फेलियर हो गए, तो अब आप किस निज़ाम की तरफ जाना चाह रहे हैं जी? बेजा कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक अहम चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है और वो ये है कि निज़ाम या सिस्टम होता क्या. ठीक है, अब हम में से अक्सरियत जो है वो इस चीज़ को समझती नहीं है कि निज़ाम या सिस्टम का मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ मिसाल के तौर पर, कि आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं जिसमें आप सिलेक्शन करते हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, तो हमारे आप प्रेजेंट निज़ाम की बात करते हैं दो मिनट के लिए जी, जी, जी. वो लेजिस्लेटिव बॉडीज के जो इलेक्टेड लोग हैं उनका काम क्या है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वो जो उनका काम है उस काम के वो करीब भी नजर नहीं आते जी. ठीक हो गया, अब देखिए लेजिस्लेटिव बॉडीज का काम लेकिन है, लेकिन उससे आगे की बात हम करते हैं, वो नजर तो नहीं आते जी, लेकिन वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें ज़हनों को तोला नहीं गिना जाता है. ठीक, तो अब ये कि ये गिनने वाला निज़ाम तो अपनी जगह पर पूरी दुनिया में नाफिज है, ये यहाँ पे इस निज़ाम को पहले अवेयरनेस और एजुकेशन की जरूरत थी. उधर हमारी किसी हुकूमत ने कोई ना ध्यान दिया ना तवज्जो दी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अर्ज ये है कि मैंने बात की थी कि निज़ाम और सिस्टम की जो बात है कि यहाँ पे और जिन कंट्रीज की आप मिसाल दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में यही जमहूरियत है, तो आप पहले तो जमहूरियत का जब एनालिसिस करेंगे एज ए सिस्टम तो आपको ये समझ आएगी कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही सिस्टम राइज नहीं है इस वक्त. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की आप बात कर लें, उनका हम कहते हैं द मोस्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसी, जब अमेरिका की बात करते हैं तो आप देख लें टोटल दो पार्टीज हैं. बिल्कुल ठीक हो गया, दो पार्टीज हैं, अपना मंशूर या मैंडेट के हम क्या करेंगे अगले पांच साल के लिए,
वो सामने रखती हैं, डायलॉग होता है उसके ऊपर, डायलॉग करने के बाद वो कहते हैं ये पार्टी होनी चाहिए, ये पार्टी होनी चाहिए। वहां पे 360 पार्टी तो नहीं है आपके पास, 360 पार्टी है, नंबर एक, नंबर एक हो गया। दूसरा अहम नुकता क्या है कि उन लोगों ने डे वन पे डिसाइड कर लिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इकबाल ने कहा कि यहाँ पे तो गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते, ठीक। हालांकि इस्लाम कहता है कि ज़हन को तोल कर बात करें जी, आप इस्लाम कहता है कि उसको तोलो, गिनने का कंसेप्ट ही नहीं है, 100% मुत्तफिक हूं। लेकिन फिर भी जो हम और हमारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि जनाब ये जो गिनने वाले लोग दुनिया में चल रहे हैं उनका निजाम तो बड़े अच्छे हैं, वो तो बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, बड़ा बेहतर कर रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, ऐसा है कि एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे जी, और चूंकि आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह से इतनी सैर हासिल थी कि वक्त का पता नहीं चला और ब्रेक का इशारा आ गया, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस लाते हैं तो फिर उस वक्त फिर आपसे इसी मौजू को कंटिन्यू करते हैं। तो नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, शाहिद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कायदे आज़म के अफकार पर जो मबनी एक स्लोगन के साथ पार्टी इन्होंने बनाई है उसके जो यानी जो भी इसकी बुनियादें हैं उनमें क्या क्या चीज़ों की इनके जहन में चीज़ें मौजूद हैं वो हम इनसे फिर आगे डिस्कस करेंगे। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं डायलॉग 360 के साथ और आप देख रहे हैं होम टीवी, और होम टीवी में आज मेरे गेस्ट हैं शाहिद बशीर साहब। शाहिद बशीर साहब से अभी हमारी बात चल रही थी कि दुनिया भर में जो निज़ाम राइज हैं जिनके तहत हुकूमतें काम कर रही हैं, जिनके तहत लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल और आसान हो रही हैं, वो निज़ाम हमारे मुल्क में किस तरह से चल रहा है। तो आइए चलते हैं शाहिद साहब की तरफ एक बार फिर और उनसे पूछते हैं कि जी अभी हमारी जो गुफ्तगू थी उसमें शाहिद साहब आप ये फरमा रहे थे कि अमेरिका की एक यानी डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए वहाँ डिबेट होती है और ये सारा सिस्टम होता है, तो ज़रा उसी को बात करेंगे फिर आगे मैं आपसे कुछ और भी बातें जानने की कोशिश करूँगा। मैं अर्ज कर रहा था कि वहाँ पे देखें एक प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दो पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे जो अहम नुकता है, मैं इस बात को थोड़ा मुख्तसर करूंगा ताकि वक्त बचे। अहम नुकता सबसे ये है कि देखिए आज तक दुनिया के अंदर कोई भी कौम कोई भी अफराद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक दे आर नॉट सेलिंग इन वन बोट, ठीक। दो किश्तियों का सवार कभी कामयाब नहीं होता। जब आप इस जमहूरियत की हिस्ट्री में जाएंगे और जो हम भी उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं सो एक छोटी सी मॉडिफिकेशन के साथ, वो मॉडिफिकेशन क्या मैं उसमें बाद में आता हूँ, तो पूरी दुनिया बेसिकली यही कहती है कि जो आपने फरमाया इकबाल ने कहा था कि तोलने वाला काम करो गिनने वाला काम नहीं होगा, तो पूरी दुनिया तोल नहीं रही, गिन रही है। उन्होंने उस गिनने के बाद अगला काम क्या किया जो सबसे अहम किया, उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर अमरीकी जमहूरियत है तो उनकी जमहूरियत का बेस क्या है, उनकी जमहूरियत का बेस है लोगों की खुशी, कि जिस चीज में लोग खुश हैं उसको कानून बना दिया जाए। बरतानिया की जमहूरियत की आप बात करते हैं तो उनकी जमहूरियत क्या है, उनकी जमहूरियत फिर आसान सी है, वो कहते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो रस्म और रिवाज रिवायत थी उसको जमहूरियत बना दिया जाए, ठीक। उन्होंने हर किसी ने अपने अपने वार्ड की जमहूरियत बनाई, जब हमने जमहूरियत जो बनाई थी वो जमहूरियत की बेस थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी जमहूरियत की बेस वही थी, वो डेमोक्रेसी हमारी उसको कंसिस्ट करती थी। अब उन लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी, क्या उन्होंने कहा ये जो निज़ाम बदल दिया अल्लाह का दिया होगा, लोगों ने इसमें चेंजेस कर दिया और इसके जरिए इस्तेहसाल किया जा रहा है, एक्सट्रॉशन का सिस्टम किया जा रहा है, लोगों की आज़ादियाँ छीनी जा रही हैं, लोगों के माल खाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चर्च जो है इसको उठा के साइड पर कर दो, ठीक। क्योंकि वो एक मजहब था, उसको साइड पे करना उनके लिए आसान था, दैट सिस्टम नहीं था जी। तो उन्होंने मजहब को तो थोड़ा बहुत अमल दखल था उसको भी साइड पे किया, और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब मजहब का तो हमारे साथ काम कोई नहीं है, गवर्नेंस के साथ ये साइड पे हो गया, अब इससे आगे चलते हैं, अब कानून बनाना है,
उन्होंने कहा जी कानून साजी कैसे होगी, उन्होंने कहा अक्सरियत की राय से कानून साजी होगी। हाथ खड़ा करें जी, कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अपने मुल्क की मिसाल देते हैं जी जी जी, कि एक कानून बनाना है ना हमने, हमारे वो घोड़े गधे सारे बिक जाते हैं अपने मुल्क का, तो माजरत के साथ 64 जो है वो हाथ खड़े करते हैं, 54 जो है वो वोट देते हैं जी। तो चले वो तो उसमें मैं नहीं आऊंगा, वो एक अलहदा सा सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन बात अर्ज ये थी कि आज जब हमारा इतना ही बड़ा मसला बन गया है, फॉर एग्जाम्पल हम करप्शन 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 चीखते रहे और उठा के लोगों को जेल में भी डाल दिया, पैसा एक भी वापस नहीं आया, बल्कि जो थोड़ा बहुत था वो भी जा रहा है, वो उनके उस पे खर्च हो रहा है, तो उसी पे खर्च हो रहा है, उनको उनको लाने ले जाने फैसिलिटेशन चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए। तो आज हम कितना आसान हो जाए कि हम हाथ खड़ा करें सब्जी के अंदर और कहें जी हर केस के ऊपर 10% जो करप्शन का पैसा है, रिश्वत है, ये लीगलाइज कर दिया, कानून बन जाए। अब बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शिक और डाल दी गई है, और वो शिक क्या है कि नो लॉ विल बी मेड व्हिच इज रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्ना, तो कोई भी कानून जो है वो कुरान और सुन्नत से मुनाफी नहीं होगा, मुनाफी नहीं होगा। जब उसके मुनाफी नहीं बनाया जाएगा, तो आप जब ये कहें कि तुम लोगों को चोरी करने की इजाजत दे रहे हैं, तुम हॉर्स ट्रेडिंग करो या हॉर्स राइडिंग करो या वोट खरीदो या ना खरीदो, तो वो एक अलग से चैप्टर बन जाते हैं, ये कानून साजी हो ही नहीं सकती। बदकिस्मती से हम दो किस्तियों के सवार हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का सिस्टम चाहिए, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं निजाम की बात कर रहा, निजाम की बात कर रहे हैं कि मजहब तो आपका जाती बंदोबस्त है, ठीक है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात कर रहे हैं, आपका आपका जाती फेल है, इससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। कोई मुल्क के अंदर क्रिश्चियन है, हिंदू है, उसके भी राइट्स इक्वल है आपके, प्लस माइनस दोनों तरफ से हैं। हजरत ने भी उनको पूरी आजादी दी और कायदे आजम ने भी अपनी तकारीर में कहा कि अब पाकिस्तान बन गया और यहाँ तमाम मजाहिब के लोगों को पूरी आजादी है अपने मामले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब देखिए ना, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की माशाल्लाह विजन देखें, उन्होंने जब कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले लिखा गया, तो जो पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले लिखा गया था वो यही था, उसके अंदर कोई मजहब देखे ना जी, यहूदी मौजूद है, नसरानी मौजूद है, कुफार मौजूद है, मुनाफिकीन मौजूद है, और फिर थोड़े से मुसलमान मौजूद हैं। तो कहा ये सारे के सारे मजहब इकट्ठे कलेक्ट करके हम इसके बेनिफिट के लिए स्टेट की काम करेंगे, काम करेंगे। लेकिन साथ अगली बात क्या, मजहब में तुम आजाद हो, जो फैसला होगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। सिस्टम दे दिया ना कि वो मजहब जो है वो तो इकट्ठे सर्वाइव कर सकते हैं, हमारा इशू क्या, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि मजहब तो इकट्ठे सर्वाइव कर सकते हैं, निजाम इकट्ठे सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। हम पाकिस्तान के अंदर जिस दिन से ये बना है एक कोशिश कर रहे हैं कि हम दो निजामों को पैरेलल लेके चल जाए, दो निजाम इकट्ठे नहीं चल सकते, ठीक। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें इस्लाम का निजाम चाहिए, सही, और वो लेजिस्लेशन करनी नहीं है, मैं छोटी सी बात आपकी बात सुनता हूँ खत्म कर लूँ तो एक सेकंड लूंगा कि लेजिस्लेशन करनी नहीं हमने, क्यों, लेजिस्लेशन तो हुई हुई मिली है, जब कुरान और शरीयत के मुखालिफ कानून नहीं बनाने तो नवाज शरीफ को आप जेल में डाल के कह रहे हैं मुझे पैसा वापस दे, तो कैसे करेगा वो, आप कहते हैं चोरी रोकनी है, लेकिन जो चोरी की सजा मुकर्रर है इस्लाम के अंदर वो नहीं देनी, वो नहीं देनी, चोरी की सजा वो देनी है जो बरतानिया कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो कानून आपका ब्रिटिश का फॉलो कर रहे हैं और साथ कहते हैं मैं इस्लाम को अमलगमेट भी कर लूं इसके, इस मिक्स कर दूं इसके साथ, तो मुमकिन है। तो ये रियासत मदीना का तस्वीर जो आप देख रहे हैं मुल्क में आ रहा है जी, और मेरे मैं तो अभी तक सिर्फ कानों से मेरे कान ही गुनाहगार हो रहे हैं रियासत मदीना, क्योंकि रियासत मदीना में तो एक कुत्ता भी जो है दरियाए फरात के किनारे जो है वो भूखा नहीं सो सकता था, और आजकल तो आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोग खुद बहुत कुछ कह रहे हैं। तो ये आप जो बात कह रहे हैं वो कि चोरी करने की सजा नहीं देंगे तो फिर तो कानून उसके मुनाफी हो गया ना। जैसे देखिए बात ये है ना कि मैं अक्सर दोस्तों से एक बात करता हूँ जी, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए जो बनाने वाले जो तख्लीक को निंदा है किसी भी चीज का, उसकी इच्छाइयां और बनाइयां उससे बेहतर उसको किसी और को पता नहीं हो सकता, बेशक। मतलब ये कब हमारे सामने पड़ा हुआ है, माशाल्लाह आपके चैनल का डायलॉग 360 आपने इसके वो लेके गए आप मैन्युफैक्चरर के पास, उसे कहा ये डायलॉग 360 जो है इसको तुमने इस पे प्रिंट करना है, एक मेरी इस पे तस्वीर लगानी है, उसके बाद यहाँ पे ये करना है, उसके बाद इसको टूटना नहीं चाहिए, इसके अंदर इतनी चाय की क्वांटिटी आनी चाहिए एक वक्त के अंदर, या उसने इसको उस ला से मैन्युफैक्चर कर दिया
और आपको प्रिकॉशंस बता दें कि डायलॉग 360 के कब को इतना अरसा तुम इस तरह इस्तेमाल करोगे, किसी मेरे जैसे बेवकूफ के हाथ में नहीं दे कोई दीवार पे मार के तोड़ दे तो अगला एक साल ये निकाल जाएगा। ठीक हो गया जी, यहां तक तो बात समझ आ गई। अब अगर उसके दिए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस पे आप काम करेंगे तो ये अपने आपको ड्यूरेबल लाइफ भी देगा और हो सकता है एक्सटेंडेड लाइफ भी दे दे। तो जो तखलीक करिंदा है जब उसने बताया कि ये कर लोगे तो तुम्हें अमन भी होगा, सुकून भी होगा, तुम्हारी माशियत भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे कवानीन भी ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी माशियत भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी तालीम भी बेहतरीन हो जाएगी, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे जेर भी रहेगा। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके लिए उसने साथ एक कायदा दिया था जिसको हम कहते हैं जाबता हयात। क्या कहते हैं? जाबता हयात। कि वो जाबता दो गतों के दरमियान हमारे तक पहुंचा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सिस्टम तो मौजूद थी, उन्होंने जो करके दिखाया हम तक पहुंच गया, लेकिन वो दो गतों के बीच में जब तक वो पड़ा रहेगा बंद तो वो जाबता है। जब वो उस दो गतों के बीच में से निकलेगा तो वो निजाम बनेगा, वो सिस्टम बनेगा। बिल्कुल। तो हम उसको हमेशा खुशी से कहते हैं जाबता हयात है। ये निजाम हयात उसको बनाना नहीं चाहते। हम कहते हैं इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, कभी ये नहीं कहा कि ये दीन है और इसने हमारे ऊपर नाफिज होना है। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मैं आखिरी बात करके आपका सवाल सुनता हूँ, उसमें अर्ज इतनी सी है कि एक बात हमेशा करता हूँ, मैं ये नहीं कहता आज आपको मिसाल के तौर पे बैठा हूँ, लोगों तक मेरी आवाज़ और आपकी आवाज़ पहुँच रही है, मैं कहता हूँ आप अपनी पब्लिक से पूछें, जो आपके व्यूअर्स हैं इनसे पूछें तुम्हें क्या चाहिए। ठीक। तो आपको बताएंगे जनाब हमें तीन वक्त का बेहतरीन खाना चाहिए, हमें छत चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए और हमें ग्रोथ के चांसेस चाहिए, हमें अपने बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज चाहिए, यही चाहिए सब कुछ। बिल्कुल यही चाहिए, और मुझे सिर्फ जो है वक्त थोड़ा सा चाहिए एक वक्फे के लिए। अच्छा, तो उसके बाद फिर जो है ठीक है, लेकिन मैं ये तो नाज़रीन ये बात जो है अगर बात खत्म कर लेता, इसको हम कंटिन्यू करते हैं ताकि वो अगले सेगमेंट में भी आपकी जो ये दिलचस्पी वाली बात है वो जारी रहे। तो नाज़रीन एक छोटे से वक्फे पे जाते हैं और शाहिद बशीर साहब के साथ एक डायलॉग 360 का फॉर्मेट प्रोग्राम करना जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वक्त कम होगा, लेकिन चूंकि प्रोग्राम्स की अपनी मजबूरियां भी होती हैं तो हम इनको फिर किसी एक नशिस्त में फिर दोबारा भी मदू करेंगे कभी जब ये कराची आएंगे। एक छोटे से वक्फे से वापस आते हैं और फिर अगली गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं डायलॉग 360 और शाहिद बशीर साहब जो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन पार्टी के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, और इन्होंने जैसे कि बताया कि इनके क्या मकासद हैं और किस तरह से ये पाकिस्तान में एक खुशगवार तब्दीली लाना चाहते हैं, तो वो भी हम इनसे अब हमारे प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हम जा रहे हैं तो वो भी इनसे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही अभी जहां हमने ये एक नुक्ता छोड़ा था कि एक आम आदमी को हुकूमत से क्या चीज़ें दरकार होती हैं, तो वो अभी हमारी गुफ्तगू जारी थी, लेकिन जब इन्होंने एक सवाल किया था कि एक आम आदमी को क्या चाहिए क्या चाहिए, तो मैंने अज़राए मजाक कहा था कि मुझे वक्फे के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो हम वक्फे से वापस आ गए। शाहिद साहब आप अपनी बात वहीं से जारी रखिए और उसके बाद फिर हमें और भी बहुत सारी बातें आपसे कम वक्त में ज़्यादा बातें करनी हैं। तो मैं यह कर रहा था कि पहली बात तो ये है कि हमें फैसला करना है, फैसला ये करना है कि हमने ये कस्मा बरसी की एक्सट्रोशन के सिस्टम में इस्तेसाली निज़ाम ही का हिस्सा बन के चलना है जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, कोई पाकिस्तान के मुसलमान नहीं है, ये पूरी मुस्लिम दुनिया जो है और नॉन मुस्लिम दुनिया भी वो इसी सिस्टम का हिस्सा है। इस्तेसाल है, एक्सट्रोशन है। आप ये देख लें कि जो पूरी दुनिया के वसाइल हैं आपके वो चंद हाथों के अंदर कंसेंट्रेटेड है, चंद कंपनीज जी, चंद मल्टीनेशनल्स जिनको आप मल्टीनेशनल्स कहते हैं, यू कैन से द मल्टीनेशनल एज वेल, आई वुड कॉल देम हिटमैन्स,
Okay. So the specific word is those are known as hitmen. तो वो चंद एक ही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस तरह कंट्रोल किया हुआ है और अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करके बाकी पूरी दुनिया गुलामी में है। मैं मुसलमानों की बात नहीं करता। नहीं नहीं बिल्कुल। तो अब उसमें से निकलने के लिए एक रास्ता आपने चूज करना है। अब रास्ता क्या है कि या तो कहें हम इस सैसाली निजाम के गुलाम बन के रहना चाहते हैं और हमें बस इतना दे दो कि हमारा पेट भरा रहे और हमें रात की नींद आ जाए, मरते भी रहे, मारते भी रहे हम और मार धाड़ भी करते रहे, तो वो तो चलता रहेगा, इसको चलाते रहे। वरना दो में से एक कश्ती चुन लें, या तो उस कश्ती को मुकम्मल चुन लें, चर्च साइड पे किया था, आपका मजहब तो नहीं है, मजहब आप रखें, फिर दीन को साइड पे कर दें मुकम्मल तौर पे, लेजिस्लेशन जो आपने की हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है इसको अमेंड कर देना, उसे कहें कि जिस तरह अमेरिका, बरतानिया और बाकी सारी जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह से ये होगा कि जी जो अक्सरियत का फैसला है उसके अंदर कोई इस्लाम नहीं आएगा, जो अक्सरियत फैसला करेगी चोरी को लीगलाइज कर दें, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दें, ठीक है जी, बाकी जितने भी आपके इब्राहिम को लीगलाइज कर देंगे, जिस तरह उन्होंने बहुत सी चीजें लीगलाइज की हैं, और चंद एक आपके पॉइंट्स पकड़ के दूसरे सिस्टम के उनको लेके अपना निजाम चला के उन्होंने बेहतर किया है। देखिए चंद पॉइंट्स पकड़ के उम्र की रिफॉर्म्स हैं, बरतानिया में पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल ठीक। तो कम बैक क्योंकि वक्त थोड़ा है आपके पास भी, और उसको कट शॉर्ट करने के लिए जो आपने सवाल आखिरी किया तो उस पर वापस आता हूँ। देखिए लोगों को ये सब कुछ चाहिए, मैंने तो चाहते कि एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको अपने जिंदगी गुजारने के लिए जो बेसिक सहूलियात हैं वो तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टेट को एज्यूम करनी चाहिए। अब स्टेट कहती है हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, सूद का निजाम खत्म करेगा तो कुछ होगा, वो जितना आप लोगों से कलेक्ट करते हो टैक्सेस की सूरत में, वो सारा सूद में, जिनमें से बहुत सारे हराम टैक्सेस हैं, वो जब टैक्सेस लोगों से लेते हैं, उन टैक्सेस को लेने के बाद आप क्या करते हैं, आपने पैसा सूद पे उठाया हुआ है वो सारा जमा करके उधर देते हैं, खजाना फिर खाली हो जाता है, फिर आपका पेट भरने के लिए फिर सूद लेते हैं, तो सूद दर सूद चलते हुए वो जो चंद सौ या चंद हजार बिलियन यूएस डॉलर्स थे आज वो ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स पे पहुंच गया। अच्छा चलिए आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सिर्फ मैं एक मुख्तसर सा सॉरी आपके बाल काटी थी, मैं खत्म कर लूं। हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि देखिए इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है तब्दीली नहीं ला रहे हम तो कहते हैं तब्दीली का तो लफ्ज ही पिट गया, 22 साल से तब्दीली सुन के कान पक गए थे लोगों के, 22 साल के बाद अब सोच रहे थे सुकून से रात की नींद सोएंगे, सुबह रोटी रिस्क और आसान हो जाएगा। बदकिस्मती से मैं किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज ना करने का हमने इरादा किया हुआ है, किसी भी शख्सियत को क्रिटिसाइज करने का भी हमने कहा है, पॉलिटिक्स को डिफरेंट डायमेंशन में लेके जाएंगे। जी मैं उसी तरह जी, मैं अर्ज करता हूँ कि डिफरेंट डायमेंशन में लेके जाएंगे। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज किए बगैर कहूंगा कि आज आपकी जिंदगी आसान हुई है, मुश्किल है मेरे हिसाब से तो मुश्किल, और ये और मुश्किल होती जाएगी, और मुश्किल होती जाएगी क्योंकि और गड़बड़ होगी ना। कि पहले तो ये था कि हम समझते थे कि वो मदीना की रियासत नहीं है, जिस दिन नारा लगा दिया गया मदीना की रियासत बना रहे हैं उस दिन लोगों की वो ख्वाहिश होगी कि जो दजला वो दरिया फरात के किनारे कुत्ता मरेगा भूख से, अब वो नहीं मरेगा, अब चोरी नहीं होगी, अब डाका नहीं डलेगा, अब जना नहीं होगा, अब 6-6 साल की 8-8 साल की हमारी बच्चियां घरों के अंदर बैठी घर महफूज नहीं रहेगी। तो लोगों को एक होप दी गई थी जी जी, वो होप जब एलिमिनेट हुई है, वो स्पाइल हुई है, तो उसकी वजह से अब और ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन आ गई है। तो हम तो एक ही स्लोगन दे रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अगर 50% काम इन्होंने वैसे लिप सर्विस देके कर दी है तो 100% हमें मौका दे दें इंशाल्लाह कि आप हमें मौके से, जब मैं कहता हूं मैं चले ये खत्म करके उसके आखिरी लफ्ज जो है, तो हम ये कहते हैं कि जो गरीब आदमी है उस गरीब आदमी की दहलीज के ऊपर उसकी हर जरूरत पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक। तो हमारा स्लोगन ये है कि हर गरीब आदमी की दहलीज पे उसका हक पहुंचा दो। ठीक। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ जी, क्योंकि टाइम जाहिर है वैसे मुख्तसर तो वो है लेकिन इतना मुख्तसर भी नहीं कि आपसे बात मुकम्मल ना की जाए। यूनाइटेड फेथ डिसिप्लिन पार्टी के अभी किन किन स्टेजेस और क्या क्या फेजेस मुकम्मल हो चुके हैं, मतलब मैं उसको समअप करते हुए ये कहूँगा कि एक तो ये कि मेंबर साजी का अमल कहाँ तक पहुँचा, कितने लोग हैं और पाकिस्तान भर में तंजीमी ढांचा किस शक्ल में है। इसके अलावा ये कि आपने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम करना है या कर रहे हैं आप, तो इलेक्शन कमीशन में आपकी कोई रजिस्ट्रेशन हो गई है और इस तरह के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आपसे एक मैसेज भी लेंगे, तो प्लीज जरा इनको एलोब्रेट कीजिए। ठीक। सबसे पहली बात तो ये जो कि हम जो बाकी पार्टी से मुख्तलिफ क्यों हैं, ये सबसे अहम मसला है। जी जी।
बाकी पार्टीज जो है वो सारी की सारी एक शख्सियत के गिर्द रिवॉल्व करती हैं। ओके, भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, भुट्टो की फैमिली, नवाज शरीफ की फैमिली, अब इमरान खान, इमरान खान की फैमिली। अभी फैमिली तो नहीं आई है मेरा सर, वो फैमिली तो अलीमा खान साहबा और बहुत सी साहबा उधर से जिन्होंने शादी उन्होंने की है उनको ओहदे और सर बहुत कुछ हो चुका ना जी। अच्छा। मैं उसमें तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा मकसद ये कि जो फैमिली को भी छोड़ दें अगर, ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स है वो एक शख्सियत के गिर्द रिवॉल्व कर रही है कि इमरान खान साहब खुद, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी है, मेरा हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन फिर भी मैं दो मिनट के लिए कहता हूँ जी अच्छे आदमी है, ठीक है। तो उनके साथ जो पूरी टीम थी वो टीम तो वही आ गई जो मैं समझता हूँ कि अक्सर वो तो पिछली टीमों के साथ वाली टीम ही आ गई। मैं मतलब मैं मगरमच्छ कहना चाह रहा था, आप नहीं कहना चाहते तो छोड़ देता। तो हमने सबसे पहला जो काम किया है, जो जब से इस एफर्ट में हम लगे हैं, हम सबसे पहले अपनी तंजीम साजी कर रहे हैं, ठीक है। और तंजीम साजी की जब हम बात करते तो हमने ये फैसला किया था कि कम अज कम एक शाहिद बशीर अकेला इस पार्टी को रन या हेड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एक बहुत अच्छी बड़ी तादाद की एक शुरा होनी चाहिए, ठीक है। उस शुरा के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के जो लीड कर सकते हैं आवाम को, उन सारों के नुमाइंदगान को आप पहले तैयार करें, ठीक है। उसके लिए पहले आपने थिंक टैंक बनाया, इसको आप थिंक टैंक भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठे कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारी सिलसिला चाल इस तरह से रहे कि एक जगह पे एक इलेक्टेबल है, अब उसकी तालीम और तरबियत हो सकता है थोड़ी सी तालीम के लिहाज से कम हो, तो उसके साथ हमने एक जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल, एक उसके साथ एक इंटेलेक्चुअल को हमने उससे कनेक्ट किया कि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलते रहे। एक बंदे का काम जो है वो लेजिस्लेशन है, हालांकि है तो लेजिस्लेशन है जी, ये गलियां गटर ये पक्के करना तो काम नहीं है इनका, एमबीएस एमएनएस का ये बेसिकली तो टेक्नोक्रेट्स का काम है। तो हमने ये कहा कि जिन लोगों की वो एक्सपर्टी या स्पेशलाइजेशन है उनको इस स्टेज पे अपनी तंजीम का हिस्सा बनाओ, ठीक ठीक। इलेक्टेबल जो है उनको अपनी जगह पे रखो, ठीक, और इनको अपनी जगह पे रख के एक तंजीम साजी करके आगे चलो। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तंजीम साजी थी बहुत हद तक कर ली। हमारे रुकन जो है इस पर तंजीम के, और वो उनमें आम आदमी नहीं है, आम आदमी से मेरी मुराद ये है कि या तो फौज और इन जगहों से जो रिटायर्ड और इसमें भी अहम नुकता यह है कि हमने जब वेटरन्स की बात करता हूँ ना, क्योंकि अक्सर ये एक बड़ा इशू आता है, खैर फौजी तो पहले हर जगह सियासत में वो चल रहे होते हैं, ये फिर ये फौजी बीच में, तो हमने और जो फौज के लोग भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं उनको भी हमने इस हद तक देखा कि अगर उनमें से किसी के ऊपर भी जिंदगी में कहीं करप्शन का कोई जरा भी शायबा है और मोरल ट्रेपिट्यूड का, मोरल ट्रेपिट्यूड इमोरलिटी का कहीं कोई शायबा भी है, तो हमने कहा ये हमारा हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये बड़ी मेहनत तलब काम है बेसिकली इस तरह की तंजीम साजी करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, लाहौर में और जितने बड़े शहर आपके हैं उनके अंदर हमारे इस लेवल के इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। जो मासेस की तरफ हमने जाना है वो आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आज आपके साथ बात कर रहे हैं इसी तरह से हम बात करना शुरू करेंगे कि मासेस को हमारी दावत है कि जो लोग वो 66% लोग उनके लिए खसूसी दावत है, जो 66% लोग आज तक इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाया, हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम उनको दावत देने आए हैं, ठीक। हमें हुक्मरानी नहीं चाहिए, अगली बात ये सबसे अहम चीज, मैं वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, मेरे जो रुफका हैं साथी हैं उनको ओहदे नहीं चाहिए, हम प्योरली एक चीज को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और हर जगह पे आपको खड़ा करना चाहते हैं, ठीक। हम आज के दिन के अंदर जो आज मैं अभी कराची आया हूँ तो यहाँ पे दोस्तों से मुलाकात हुई है जिसमें थोड़े वही दोस्त थे जो पढ़े लिखे और सरकर्दा लोग थे, ठीक है। उनसे बातचीत हुई और उनको हमने ये कहा कि देखिये आप आज स्टेज के ऊपर हर गली हर मोहल्ले से एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा जो नॉन आदमी है वहां का उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक। उसको आइडेंटिफाई करके आज उसको कहें कि तुम हमारा हिस्सा बन जाओ, और हिस्सा बनने के बाद वो जिस लेवल पे भी वो इलेक्शन को कंडक्ट करना चाहता है वो आज उसको टिकट दे के हम फारिग कर देंगे इंशाल्लाह, और अगले 3-4 साल वो अपने हल्के को अभी से देखना और मैनेज करना शुरू कर देगा, ठीक। शाहिद साहब बहुत अच्छी बात आपने की माशाल्लाह, बड़ा वक्त का फिर भी पता नहीं चला, तो बिल्कुल अब ये है कि मैं चाहूँगा कि एट द वेरी क्लोजिंग मोमेंट्स कोई बहुत ही मुख्तसर सी ऐसी मैसेज, ऐसी कोई बात
जो आप शेयर करना चाहते हो मासेस के साथ जी, और हमारे नाजरीन के साथ, बस वो 30 सेकंड में कोई बात आप जी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ सम अप 30 सेकंड में कर दूं इसको, वो थोड़ा सा टाइम होता है। उसमें गुजारिश है कि इस पार्टी का जो नाम है ना जी, ईमान इत्तेहाद तंजीम यूनिटी फेयर डिसिप्लिन, ये वो बेस था जिसको बेस करके इस मुल्क को डेवलप किया गया था। मैं इस पूरे मुल्क के लोगों से कहूंगा इंशाल्लाह तआला आपके तवस्सुल से कि देखें आए अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, जिसकी सबसे शदीद ज़रूरत है इस वक्त। उस इत्तेहाद के ना होने की वजह से ना सिर्फ कि पाकिस्तान के लोग टुकड़ों में भटके हैं, कहीं असबियत आ जाती है, कहीं पे कोई रिलीजन के वो आ जाता है, देवबंदी बरेलवी फला फला उसमें, या अपना बंदोबस्त रिलीजन सारों का, तो रिलीजन को छोड़ के पाकिस्तानियत के ऊपर। और जब मैं पाकिस्तानियत कहता हूँ तो उसके पीछे भी वतनियत मैं नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तानियत कह रहा हूँ। और पाकिस्तानियत क्योंकि ये ज़मीन का वो टुकड़ा है जो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही नहीं, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन सारी खसूसियात के साथ नवाजा है जो इस पूरे दुनिया के लोगों को, मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ जी जी, इंसानियत को उस इस्तेसाल के निज़ाम से निकाल के अल्लाह के निज़ाम में दे सकते हैं, और जो आज कर्ब से इंसानियत गुजर रही है इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो अपने सफ़ों के अंदर अपने ऊपर इत्माद पैदा करें, अल्लाह सुबहाना तौला पर भरोसा करें, अपने डायरेक्शन पकड़ के उसके साथ जो आपका इतिहाद है उसको सिर्फ इस बेस पे करें कि हम इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की बेहतरी और इस मुल्क को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं ये इबादत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और इंशाल्लाह ये मौका जाहिर है कि एक नशिस्त का नहीं है, लेकिन चूंकि टाइम अपना एक मसला होता है जी। तो आपने बहुत हमें वक्त दिया, अच्छा लगा। नाज़रीन, शाहिद बशीर साहब से आपने सुना, इनकी गुफ्तगू जानी, इनके मकासद को देखने की कोशिश कीजिए। और जो चीज़ कंक्लूजन में मैं जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इन्हें अपने स्टूडियोज़ में मधु करूँ, वो पाकिस्तानियत थी। क्योंकि पाकिस्तानियत जो है, हम पाकिस्तान से हैं और हमने पाकिस्तान से बहुत कुछ हासिल किया है, ये इज़्ज़त, ये मकाम, ये मर्तबा, ये आसाइशें, ये आज़ादी। आज़ादी की कदर व कीमत उन लोगों से पूछिए जो महकूम हैं, जैसे कि आज आप मकबूज़ा कश्मीर का हाल देखते हैं, आप फिलिस्तीन का हाल देखते हैं। तो आप जिस खित्ते में, मैं जिस खित्ते में रहता हूँ, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी पाकिस्तानियत को शाहिद बशीर जैसे लोगों ने महसूस किया और एक ऐसे सिस्टम के लिए अपने आप को पेश किया कि जिसमें आम आदमी की ज़रूरियात उसके घर तक पहुँचें, तो ये एक अट्रैक्शन था जो शाहिद बशीर साहब को इस स्टूडियोज़ तक लाने का था। और मैं आपसे भी ये कहूँगा कि हमने पाकिस्तान से बहुत कुछ लिया है, अब वो मौका आ गया है कि हमें पाकिस्तान को कुछ देना चाहिए। आपका अपना, अपने इर्द गिर्द और अपने तमाम अहबाब और अजीज़ रिश्तेदारों अकारीब का ख्याल रखिए। और डायलॉग 360 के इस एपिसोड के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।